दिव्या मेडिकल सेंटर यूट्यूब में तुहाडा स्वागत है। अज आप गल करांगे साह चढ़न दे बारे। बहुत सारे मरीज पुछते हैं कि साह क्यों चढ़ता हैगा, एदा की करना चाहिए हैगा इलाज, तो अज आप उत्ते गल करांगे। साह चढ़न के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये दिल के रोगों के कारण हो सकता, फेफड़िया के रोगों कारण हो सकता है, तो ये अलावा बाकी भी होर बहुत सारे कारण। जो दिल की पंपिंग वीक हो सर्कुलेशन वीक हो जाती हैगी, कारण जोड़ा है लंग के उत्ते इफेक्ट होंगे है, तो सह चढ़न लग जाता है। ये आप दिल के सारे टैस्ट करने चाहिए है, ECG, ईको, CCG, हार्ट फ्लो मैपिंग, होर कई टैस्ट करके फिर आप देख सकते हैं कि की कारण हैगा, तो आप इलाज कर सकते हैं। जेडे फेफड़िया के कारण हैगा वो दमे कारण हो सकता है, स्मोकिंग कारण हो सकता है, कैंसर कारण हो सकता, होर बहुत सारे कारण है। ये आप शुरू के छाती का एक्सरे करते हैं, ये अलावा लंग फंक्शन टैस्ट कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, ये आपको पता लग जाता है कि कारण हैगा, तो वो मुताबिक आप इलाज कर सकते हैं। ये अलावा जे ब्लड घट हो, हैमोग्लोबिन घट हो, जे हैमोग्लोबिन घट हैगी तो ऑक्सीजन नहीं सर्कुलेट करेगी प्रॉपरली, जे ब्लड ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकता है तो वो भी अपना सह चढ़ सकता है। ये अलावा एनजाइटी कारण हो सकता है, जे पेट से पानी इकट्ठा ज्यादा हो जाए वो कारण हो सकता है, फेफड़िया के बाहर लंग्स तो बाहर जी कैविटी है उसे प्लूरल एफ्यूजन हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए वो कारण हो सकता है। बहुत एनजाइटी हो, स्ट्रैस हो, टेंशन हो, कारण सह चढ़ सकता है। इस करके सब तो पहले जो सह चढ़े तो आपको असैस करना चाहिए है कि कारण है सह चढ़न का, तो बाद मुताबिक आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सह चढ़न के बारे आप अगली बार आप कोई होर टॉपिक के उत्ते डिस्कस करांगे। जे थानू साडा ये प्रोग्राम चंगा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सबसक्राइब करो, तो जे तुसीं हेठां जिहड़ी घंटी बनी हुई है जो उन्हूं प्रेस करोगे तो थानू रेगूलरली अपडेट्स आउणगे, साढ़े नवें नवें जिहड़े वीडियोज़ आ उहदे बारे थानू जानकारी मिलेगी। थैंक यू, सत श्री अकाल।